नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में एक कमांड है होज, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में एक यहां पे है होज, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, आप बेस बनाएं, हाइट बनाएं, इस टाइप का अगर आपको शेप चाहिए तो आप होज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप जैसे बालूस्टर्स होते हैं आपके, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के लेग्स यूज़ करनी है तो उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। पिलर कहीं पे यूज़ करना है उस शेप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफिकेशन को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी मॉडिफिकेशन में क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक है फ्री होज, आप फ्री होज यहाँ पे यूज़ करेंगे, बाउंड टू ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो अलग वे में आएगा, इसे हम बाद में क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्री होज की। और फ्री होज की यहाँ पे सबसे पहले आती है कि हाइट आपको कितनी चाहिए, आप इसकी हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो सेगमेंट कितने चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, आप उनकी भी हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर सेगमेंट रखेंगे ही नहीं तो इस टाइप की कुछ शेप आ जाएगी आपकी, क्लियर। उसके बाद जो फ्लैक्स हैं, चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो वो स्ट्रेट आ जाएगा, अगर फ्लैक्स चाहिए तो कुछ इस टाइप में फ्लैक्स आ जाएंगे। फ्लैक्स कहाँ से स्टार्ट है, कितने परसेंट से स्टार्ट है, वो 10% से स्टार्ट है। तो आप इसे कर सकते हो कि मेरे को इतने परसेंट से चाहिए है जो आपके फ्लैक्स चाहिए, या फिर एंड मेरे को 90 नहीं, मेरे को 100 पे या कम पे चाहिए, किसने पोर्शन में आपको ये चाहिए फ्लैक्स वो आप यूज़ कर सकते हो। कितने फ्लैक्स चाहिए, अभी 5 है, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और डायमीटर का कितना चाहिए वो आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो कि मेरे को कितना डाया चाहिए। स्मूथनेस अभी नहीं है तो आप सेगमेंट इंक्रीज़ कर सकते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्मूथनेस भी यहाँ पे आ जाएगी, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं स्मूथनेस की, कंप्लीट पे स्मूथनेस चाहिए या ओनली साइड पे स्मूथनेस चाहिए या नन चाहिए या फिर सेगमेंट्स पे स्मूथनेस चाहिए, तो वो स्मूथनेस भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये आपको ऑलरेडी पता है कि कहाँ कहाँ पे किस टाइप से आप स्मूथनेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है रेंडरेबल, अगर रेंडरेबल इसे अनचेक कर दोगे तो ये रेंडर नहीं होगा। उसके बाद है जनरेट मैपिंग कोड, ये भी बाद में बताएंगे। अब इसके शेप के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अभी तो है राउंड होज, डायमीटर कितना चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं कि मेरे को कितना डाया चाहिए, और साइड कितने सेगमेंट चाहिए साइड में वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितने कम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी शेप बनती चली जाएगी, और जितने ज़्यादा करोगे उतना ही वो राउंड होता चला जाएगा। अगर आपको रेक्टेंगुलर होज चाहिए तो आप रेक्टेंगल पर क्लिक करें, इसकी विड्थ कितनी चाहिए और इसकी डेप्थ कितनी चाहिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिलेट कितना चाहिए, अब देखो फिलेट आपका नहीं आया तो सबसे पहले फिलेट तो आप डाल दे, तो फिलेट के सेगमेंट भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये होते हैं यहाँ पे साइड के फिलेट, अगर मैं फिलेट को इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ पे फिलेट आ जाएगा, और जितना आप यहाँ पे सेगमेंट डालेंगे तो उतना वो राउंड होता हुआ चला जाएगा। अगर आपको ऐसी शेप चाहिए तो आप ऐसी शेप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रोटेशन, अगर आपको ऐसे रोटेट करके इसे खड़ा करना है तो आप रोटेट करके यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको डी सेक्शन चाहिए, मान लो मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करता हूँ, अगर मेरे को डी में चाहिए तो मैं इसे डी सेक्शन कर सकता हूँ, तो मेरा कुछ इस टाइप में ये बन जाएगा। डी में भी वही है कि विड्थ कितनी चाहिए, डेप्थ कितनी चाहिए, राउंड का साइड कितना चाहिए, जो राउंडेड पोर्शन है पीछे वाला उसके कितना आपको साइड चाहिए वो आप बना देंगे तो इस साइड से आपका कम्प्लीटली राउंड हो जाएगा। उसके बाद फिलेट, फिलेट होता है साइड पे यहाँ पे, और यहाँ पे फिलेट तभी नज़र आएगा जब इसके अंदर सेगमेंट्स होंगे। आप सेगमेंट लगाओ तो यहाँ पे देखो राउंड नज़र आएगा आपको, आप इसका फिलेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो इस टाइप से राउंड नज़र आएगा आपको ये। और उसके बाद इसमें रोटेशन डाल सकते हैं कि मेरे को कितना रोटेट करके रखना है। तो इसको आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं, किसी की भी चेयर, आपको बेड की लेग्स लगानी है, या फिर आपको बालूस्टर्स लगाने हैं, या पिलर्स लगाने हैं, या बहुत जगह आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका होज, और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ आपको 3ds Max के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.